बच्चा घूमता है माँ को बहुत ज्यादा दर्द होता है, एक एक दिन में 10-10 बार दर्द होता है। याद करो वो पल, कभी आप और हम भी माँ की कोख में थे, अपनी माँ को भी हमने अंदर से दर्द दिया। दुनिया की कोई भी माँ उस टाइम ये नहीं बोलती इसको निकाल के फेंक दो। जब भी उसको ज्यादा दर्द होता है वो एकांत में जाती है, पेट पे हाथ रख के एक सपना देखती है कि आज मैं दर्द सहन कर रही हूं, कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, वो कामयाब होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। इस प्रकार के मां 9 महीने में हजारों सपने देखती है, नहीं देखती है। कभी आपके मेरी मां ने सपने देखे नहीं देखे? क्या हम उन सपनों को पूरा कर पाए? एक मां जब बच्चे को जन्म देती है 57 डेसिमल का दर्द होता है। 57 डेसिमल का मतलब है एक औरत की दर्द की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है। आपके थोड़ी सी उंगली कट जाए ना, डॉक्टर बोलेगा टांका लगाना है, आप डॉक्टर को बोलते हो पहले इधर नशे का इंजेक्शन लगा, टांका बाद में लगाना। 5 डेसिमल का दर्द है फिर भी नशे का इंजेक्शन मान लेते हो, लेकिन अपनी मां ने जब हमें पैदा किया 57 डेसिमल का दर्द सहन किया और दुनिया का कोई डॉक्टर उस टाइम नशे का इंजेक्शन नहीं लगाता। पता है आपके मेरी मां ने वो दर्द कैसे सहन किया? इस उम्मीद के साथ सहन किया कि मैं आज जिस बच्चे को जन्म दे रही हूं यह बच्चा मेरी जिंदगी के अरमानों को पूरा करेगा, मेरे सपनों को पूरा करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यह सोच के एक मां 9 महीने पूरे करती है, एक बच्चे को जन्म देती है। एक बच्चा जो छोटा होता है सर्दी की रात में 3 बजे सुसु कर देता है, माँ बच्चे को 3 बजे सूखे गीले पर सोखा के सूखे पर सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पर सो जाती है। एक बच्चा जब छोटा होता है वो अंदर ही अंदर पोटी करता है, माँ बच्चे की पोटी साफ करती है, माँ को बच्चे की पोटी में बदबू नहीं आती। एक बच्चा अगर बीमार हो जाए माँ बाप पूरी रात आंखों में गुजार देते हैं, फलक करी झपकते हैं, माँ बाप अनपढ़ होते हैं बच्चे को पढ़ाते हैं, माँ बाप गरीब होते हुए घटिया खाना खाते हैं बच्चे को बढ़िया खाना खिलाते हैं, माँ बाप घटिया कपड़ा पहनते हैं बच्चे को बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं। ये सारे काम हमारे माँ बाप ने किए ही नहीं किए। मैं एक सवाल पूछने आया हूँ, आज से हमने माँ बाप के लिए क्या किया? दुनिया में बस कुछ ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो टाटा है, चाहे बाबा है, चाहे रिलायंस है, चाहे अंबानी है, चाहे धोनी है, चाहे वो आरसीएम का राजाराम सारण है, चाहे वो महावीर सारण है, चाहे वो मुकेश कोठारी है। दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करते हैं। जब वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं तो आप और हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते? आप सोच के देखो दोस्त, जब इसी आरसीएम में मुकेश कोठारी आज 300 करोड़ का मालिक है, इसी आरसीएम में राजाराम सारण आज 200 करोड़ का मालिक है, जब वो आरसीएम से लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं कमा सकते? लेकिन वो लोग हैं दोस्त जिन्होंने टारगेट लिया और कड़ी मेहनत करी और जो लगातार चलते गए। अरे सोच के देखो दोस्त, जब चंदन जैसी मुलायम लकड़ी से आग पैदा की जा सकती है, जब छोटे बांस से बांसुरी बनाई जा सकती है, तो इस जीवन से आनंद उत्पन्न क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? देखने के प्रयास करें तो सोचने की बात है दोस्त। इसी आरसीएम सिस्टम में आपके सामने बैठा मोहन प्रसाद जब 3-4 लाख रुपए महीने की इनकम ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप ही के बीच के लोग कुछ लोग रोयल्टी तकलीफ में पहुंच सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं पहुंच सकते? लेकिन दोस्त कामयाबी दर्द के दोष से मिलती है, कठिनाइयों से मिलती है, खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती। कामयाबी टारगेट लेके कड़ी मेहनत करने से मिलती है। तो लोग मेहनत कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? आज घर जाके काम करना, अपने माँ बाप अपनी बच्चों को देखना और सोचना कि इनके लिए कुछ ना कुछ करना है, अपनी गाल पर थप्पड़ लगाना और शुरू हो जाना। जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। यस या नो? बस एक बात बताओ, जिंदगी में पैसा चाहिए नहीं चाहिए? यस। कोई ना रहा सीएम को, ओके मेरी जिंदगी का टारगेट है मैं मेरे माँ बाप की अच्छी संतान बनना चाहता हूं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की अच्छी संतान बनना चाहते हैं? बताओ, पैसा चाहिए नहीं चाहिए? यस। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? एक बात बताओ, शादी से पहले कोई बच्चा माँ बाप से अलग होता है? शादी से पहले कोई औलाद माँ बाप से अलग होती है? शादी के बाद कोई साथ रहता है? क्यों दोस्त? क्योंकि दोस्त बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए 30-30 हजार इनकम चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए 20-30 हजार महीने की इनकम चाहिए नहीं चाहिए? अब हम कमाते ही 5 हजार तो माँ बाप की सेवा कहां से कर देंगे?
मैं माफी चाहता हूं दोस्त, एक कमकाम का सा माहौल है, मैं मिलकर बोल रहा हूं। हम में से 90% लोग, जितने लोग इस हाल में बैठे हैं ना, 90% लोग 15-20-30 हजार से कम कमाते हैं। अब माँ बाप की सेवा कहां से? अरे माँ बाप की सेवा करने के लिए 20-30 हजार महीने की इनकम चाहिए नहीं चाहिए? अब कमाते हैं 10 हजार, तो शादी के 1-2 साल बाद क्या करेंगे? घर में पंचायत करेंगे, माँ बाप की 5 कमी निकालेंगे और बोलेंगे माँ बाप खराब है, अलग हो जाओ। दोस्त माँ बाप खराब नहीं, माँ बाप खराब होते तो इतने बड़े ना होते, हमारा कट्टी मुंह ना धोते। माँ बाप खराब नहीं है दोस्त, हमारी इनकम खराब है। इनकम हमारी क्यों खराब है? इनकम किसी की कमी निकालने से नहीं आती, इनकम आती है दोस्त टारगेट लेके काम करने से। यस, सोच के देखो दोस्त, जब हम शादी करने जाते हैं ना तो ऐसे नाश्ते करते जाते हैं, गाना चल रहा होता है, आज मौसम बेईमान है, आने वाला तूफान है, यस या नो? 15 साल बाद क्या होता है? 90% लोग जो निकम में होते हैं, कामजोर होते हैं, उनकी जिंदगी में तूफान होता है। 10% लोग जो टारगेट लेके मेहनत करते हैं, उनका पूरी जिंदगी मौसम बेईमान रहता है। यस या नो? यस या नो? दोस्त हम कौन से आते हैं, हम कौन से आते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं? दोस्त मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, सीधा सा आदमी हूं, पर मैं इतना जानता हूं कामयाबी खड़ी मेहनत से आती है। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, कामयाबी खड़े संघर्ष से आती है। मैं जिंदगी कामयाब लोगों से मिलता हूं, मैं दोस्त नमक मिर्च नहीं लगाता, मैं सीधा पूछता हूं आपकी कामयाबी का राज क्या है। मैं 2 बार अमिताभ बच्चन से मिला, पहली बार अमिताभ बच्चन से मिले, हमने सीधा बच्चन साहब आपकी कामयाबी का राज क्या है पता है? उसने क्या बताया? उसने सीधा सा बताया कि भाई हमारी उम्र 73 साल है। कितनी? 73 साल। मैं पिछले 39 साल से 16 घंटे रोज काम करता हूं। कितने घंटे रोज काम करता हूं? कितने साल का आदमी? 73 साल का आदमी 16 घंटे रोज काम करता है भाई। हेलो, हम दूसरी बार अमिताभ बच्चन से मिले, 10-20 साल लोगों के सामने, मेरे को प्रो सप्ताह में 2 छुट्टी चाहिए वरना सरकार गिरा देंगे। हेलो, 65 साल का आदमी 18 घंटे रोज काम करता है, मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, मैं काम की तारीफ कर रहा हूं दोस्त। 18 घंटे रोज काम करता है इसलिए पूरी दुनिया को हिला के रखा है। 65 साल का आदमी 18 घंटे काम, 4 साल छुट्टी चाहिए। क्यों दोस्त? शाहरुख खान का इंटरव्यू मैंने एक पेपर में पढ़ा, वो सुबह का नाश्ता कार में चलता चलता करता है। ये आम आदमी जब खाना खा रहा होता हूं बीच में कुछ नहीं करता, खाना खा रहा हूं दिख नहीं रहा क्या, खाना खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, खा क्या रहा है? हेलो, पानी में उबाल के चावल कहीं का खाना खा रहा है, ऐसे बोलना पेट भरता हूं। यस या नो? चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं एक बार बेटू बड़े होगा दोबारा मैं माफी चाहता हूँ, झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे पाप लगेगा। कल पढ़ाई कितने घंटे की? सही बोलना, झूठ बोलोगे पाप लगेगा, कल पढ़ाई कितने घंटे की? मेरा भारत महान। काम क्या है? पढ़ाई। कल पढ़ाई कितने घंटे की है? नहीं, मेरा भारत महान। हेलो हेलो, झूठ बोलोगे पाप लगेगा। कल काम कितने घंटे किया? झूठ बोलोगे पाप लगेगा। अभी भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, पर काम में 60 साल का।